नमस्कार, आप लोगों को ज्ञात हो कि UGC नेट का शेड्यूल आपके सामने उपस्थित हो चुका है और उसके बारे में आज हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे, जिससे कि आप लोग अपनी तैयारी को गति प्रदान कर सकें, धार दे सकें, जिससे कि भविष्य में आने वाले 5 जुलाई को आपका भविष्य सुनिश्चित हो सके। आज हम उसी संदर्भ में कुछ बातें करते हैं जिससे कि आपको फॉर्म भरने में आसानी हो सके। और यह पूरा जो प्रॉस्पेक्टस ये जो आया है, इसको हम अपने लिंक पे डाल देंगे, आप वहाँ से इसको डाउनलोड करके आगे के लिए रख सकते हैं और अपना फॉर्म आसानी से भर सकते हैं। आइए हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा डिटेल की। डिटेल क्या है कि आप ध्यान दीजिएगा कि ऑनलाइन सबमिशन जो फॉर्म है, इसको आप 16 मार्च से चालू कर सकते हैं, ठीक है। 16 तारीख से इसको जो है शुरू कर सकते हैं और 16 अप्रैल तक, 16 अप्रैल की रात में 11:55 तक भर सकते हैं। और फीस जमा करने की जो लास्ट डेट दी गई है वो 17 अप्रैल दी गई है, वही 11:55 तक। उसके बाद जो जनरल या अनरिजर्व कैटेगरी की फ़ीस है वो 1000 रुपये रखी गई, जैसे पिछली बार था। जो नए बच्चे इस बार अपीयर हो रहे हैं, ये विशेषकर उनके लिए लाभकारी होगा। जो पुराने बच्चे दे रहे हैं वो अपने उसी मेल के थ्रू सिर्फ इसको भर देंगे, उनके लिए ज़्यादा समस्या नहीं होने वाली है। ये नए बच्चों के लिए बेसिकली इन्फॉर्मेशन ज़्यादा ऑथेंटिक रहेगी, ज़्यादा कारगर रहेगी। और जो जनरल EWS या OBC के कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए 500 रुपये फ़ीस रखी गई है। फिर उसके बाद SC ST PWD, ठीक, ट्रांसजेंडर्स, इनके लिए 250 रुपये फीस रखी गई है, ठीक है। उसके बाद ये जो है, अगर आप फॉर्म भरते हैं और फॉर्म में कोई गलती हो जाती है बाई मिस्टेक, तो उसकी जो करेक्शन की डेट रखी गई है वो रखी गई है 18 अप्रैल से 24 अप्रैल के बीच। आप जो है उसमें जो भी करेक्शन करना चाहें वो करेक्शन कर सकते हैं, ठीक। अब ये जब आप फॉर्म फिल कर देंगे तो उसके बाद आपका जो एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा वो कहाँ से होगा, एक तो NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की वेबसाइट से डाउनलोड होगा, ठीक है, और वो कब 15 मई 2020 को डाउन होगा, ठीक। उसके बाद फिर आप ऑनवर्ड डाउन कर सकते हैं, मतलब जो खुलेगा वो 15 मई को खुल रहा है, उसके बाद आप डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके एग्ज़ाम की जो डेट दी गई है वो दी गई है 15 जून या 15 जून से लेकर 20 जून के बीच में ये एग्ज़ाम्स होंगे। और ये एग्ज़ाम्स जो है 2 शिफ्ट में होंगे, ठीक है, 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम्स होंगे और हर शिफ्ट 3-3 घंटे का होगा। फर्स्ट शिफ्ट भी 3 घंटे का होगा, सेकंड शिफ्ट भी क्या है 3 घंटे का होगा। और इसमें क्या होगा, हर शिफ्ट में फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर एक साथ लिए जाएंगे। ऐसा नहीं है कि फर्स्ट पेपर के बाद कोई गैप होगा, फर्स्ट पेपर उसके तुरंत बाद सेकंड पेपर शुरू हो जाएगा। तो इन 3 घंटे में वो फर्स्ट और सेकंड दोनों पेपर लेंगे, उसके बीच में आपको कोई गैप नहीं दिया जाएगा। दूसरी बात, फर्स्ट पेपर में एज जो है 50 क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है, फर्स्ट पेपर में 50 क्वेश्चंस रहेंगे, सेकंड पेपर में 100 क्वेश्चंस रहेंगे। इन क्वेश्चंस को आपको करना होगा और वो कितने का होगा, 3 घंटे का होगा, 180 मिनट का होगा, ठीक है। उसके बाद इसका जो रिज़ल्ट है, रिज़ल्ट आपको पता है कि रिज़ल्ट जो है 5 जुलाई या 5 जुलाई 2020 को जो है डिक्लेयर होगा। और जो आपकी एग्ज़ाम की टाइमिंग की शिफ्ट है, वो फर्स्ट शिफ्ट जो शुरू होगी वो 9:30 to 12:30 होगी और जो सेकंड शिफ्ट है वो 2:30 to 5:50 के बीच में रहेगी, ठीक है। तो ये आप अपना ध्यान दीजिएगा इसको। और अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं फॉर्म भरने की। ये UGC में जो है ऑनलाइन उसका पूरा फॉर्म रहता है। और फॉर्म भरना कैसे है, ये जो नए बच्चे हैं उनके लिए है, उनको अपना एक ईमेल आईडी रखना होगा और एक मोबाइल नंबर रखना होगा। ये ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर उनको हरदम के लिए सुरक्षित रखना होगा, क्योंकि भविष्य में जब भी रिजल्ट आएगा तो आपको इसी से अपना जो मार्कशीट होता है नेट वाला वो डाउनलोड करना होता है। तो आपको इसको बहुत सिक्योर रखना है। एक तो ये आप अपना ईमेल आईडी बनवा लें। आप लोग जनरली दुकान में जाते हैं, दुकान वाले से कहते हैं भर दो और वो भर देता है, तो किसी दूसरे ईमेल से भर देता है, फिर उसके बाद आपको जो है प्रॉब्लम हो जाती है। तो कृपया अवेयर रहें, जो नए बच्चे जा रहे हैं वो अपना ईमेल आईडी खुद का बनाएं, और अगर किसी दुकान से भी भरवा रहे हैं तो वहाँ वो एक अपना प्रॉपर ईमेल आईडी और प्रॉपर मोबाइल नंबर डालें जो उनके पास हरदम रहे, क्योंकि भविष्य की जितनी भी सूचनाएं फर्दर इन्फॉर्मेशन होंगी वो आपके मोबाइल पे और मेल पे आएंगी। तो आप इसके लिए थोड़ा सा अवेयर रहें। अक्सर बच्चे ये गलती करते हैं, बाद में फिर पछताते हैं कि ये क्या दिक्कतें हो गई, ठीक है। तो इससे आप लोग बचिएगा। उसके बाद
आप अप्लीकेशन फॉर्म भरिएगा, उसमें वही फादर्स नेम, मदर्स नेम, डिटेल्स होगा सब, वो आप कर लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और जो थर्ड स्टेप है वो थोड़ा सा महत्वपूर्ण है। थर्ड स्टेप में आपको क्या करना है, जो आपका फ़ोटो होगा, कैंडिडेट का जो फ़ोटो होगा वो 10 KB से 200 KB के बीच में होना चाहिए। कितना? 10 to 200 KB, ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बीच की ही फाइल आपको डाउनलोड कर वहाँ पर अपलोड करनी है, ठीक। और उसके बाद जो आपका सिग्नेचर होगा कैंडिडेट का, वो 4 KB से 30 KB के बीच में JPG फाइल में अपडेट करनी है। उसके बाद जो फोर्थ स्टेप होगा, जो फाइनल स्टेप होगा, ये है आपका पेमेंट का। ये पूरा पेमेंट आपका ऑनलाइन होगा, आप चाहे SBI के थ्रू, चाहे सिंडिकेट के थ्रू, चाहे SDFC के थ्रू, चाहे ICICI के थ्रू, चाहे पेमेंट गेटवे के थ्रू, आप कैसे भी इसको जो है पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी थी। उसके बाद और पूरा मैं इसको डाल दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। मेन जो चीज़ है वो आपका इसमें दिया गया है, और महत्वपूर्ण बात ये है कि आप एग्ज़ाम को अच्छे से दीजिए, अच्छे से पास करिए। ये देख लीजिए आप, फर्स्ट पेपर है जिसमें 50 क्वेश्चंस होंगे, और ये क्या है 100 मार्क्स का होगा। सेकंड पेपर आपका सब्जेक्ट का होगा, आप चाहे जिस सब्जेक्ट के हों, चाहे साइंस के हों, चाहे आर्ट्स के, या आर्ट्स के जितने भी सब्जेक्ट हैं, आर्ट्स के किसी भी सब्जेक्ट के होंगे आप, ठीक है, तो आप इससे जो और भी जो भी सब्जेक्ट हो उसके होंगे, तो आपको जो फर्स्ट पेपर तो सबके लिए वही रहेगा लगभग। और सेकेंड पेपर आपका अपना होता है, उसमें 100 क्वेश्चंस रहेंगे, और उसमें क्या है 200 नंबर का होगा, और ये पूरा कितने रहेगा 3 घंटे का होगा, और सब क्या है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, और हर क्वेश्चन का 2 मार्क दिया रहेगा। उसके बाद आपकी मेरिट बनेगी। पिछली बार की जो मेरिट कितनी गई थी मैंने उसकी चर्चा की है, आप मेरे वीडियो में, पिछले वीडियो में देख सकते हैं, है ना, उसका लिंक इसमें दिया रहेगा कि कितनी मेरिट गई थी, आपको कैसे तैयारी करनी है, वो सब चीज़ें आप वहाँ से जान लीजिए। उसके बाद इसमें रिलैक्सेशन की अगर बात की जाए, क्या है कैसे है, तो उसमें रिलैक्सेशन के लिए जो सामान्य वर्ग के या अनरिजर्व कैटेगरी के लोग हैं उनको 30 साल का दिया गया है, और उसके बाद अन्य के लिए उसमें कुछ छूट प्रोवाइड की गई है। इसमें पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो आप लोग इसको जो है ये दिया हुआ है पूरा, आप तो इसको आप पूरा पढ़ लीजिएगा। कहीं अगर किसी को डाउट हो तो वो क्वेश्चन इसमें कमेंट करके पूछ सकता है, और उसको हम लोग और बेहतर जानकारी प्रोवाइड कराने का प्रयास करेंगे। उसके बाद वो रिजर्वेशन की बात की गई है कि UGC में जो EWS कैंडिडेट हैं उनको 10% रिजर्वेशन मिलेगा, ठीक है, ये 10%। उसके बाद जो आपके SC कैंडिडेट हैं उनको 15% मिलेगा, फिर 7.5 मिलेगा ST कैंडिडेट्स को, ST को, और OBC को 27% जो है रिजर्वेशन मिलेगा, ठीक है, वो आप देख लीजिएगा इसको। तो बाकी फॉर्म भरिए, इसकी तैयारी करिए, और फॉर्म का पैसा मैंने बता ही दिया है, आप लोग अच्छे से इसको देख कर तैयार कर लीजिए। बाकी आपके सामने ये आपको आप हमारी लिंक में मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड करके भविष्य के लिए सुरक्षित रख सकते हैं। नमस्कार।